हे देयर पीसी यूजर, हाउ आर यू? यार मैं सेल्फ वेलविन शिवा एंड इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बिगिनर। सो मैं चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने शेयर कर दें इसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। जॉट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आप लोग को आपके कोडिंग लैंग्वेज का यार सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस इन द सेंस क्या क्या पढ़ना है हमें, उसमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये आपको पता होगा। ये आपका फंडा क्लियर होगा यार तो आप मतलब स्टार्ट तो कर देंगे अच्छा खासा। कहाँ से पता चलेगा यार? बुक रेफर कर सकते हैं। बुक्स नहीं है आपके पास, सिंपली यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें वन शॉट वीडियो कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखें। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सी वन शॉट वीडियो, तीन चार वीडियो आ गए आपके पास और भी ज़्यादा वीडियो हैं। आप किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, स्टार्ट करें वहाँ से और पता चल जाएगा स्टार्ट कैसे करना है। सेम विथ जावा, जावा लिखें, सॉरी मैं स्पेस देना भूल गया, मुझे चेंज किया है। जावा लिखिए, वन शॉट में काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, कोड विथारी का वीडियो काफ़ी मस्त चैनल है, प्रोजेक्ट भी करा देंगे आपको तो आपके लिए वो भी यूजफुल होगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कोडिंग लैंग्वेज में। तो यार नेक्स्ट थिंग क्या करना है हम लोग को, ये अपने फंडामेंटल क्लियर करने यार। सबसे पहले अपने फंडामेंटल क्लियर कर लेना है। फंडामेंटल क्लियर हो गया हमें नेक्स्ट लैंग्वेज में स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे यार जो आगे का कोर्स होगा वो काफ़ी ईजी होते रहेगा। फंडामेंटल आपको सिखा रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर सिखा रहे होते हैं, वेरिएबल बता रहे होते हैं, कंट्रोल बता रहे होते हैं, सिंटेक्स बता रहे होते हैं, ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स ये सब आपको सिखा रहे होते हैं यार। ये सब आपके क्लियर रहेंगे यार तो आप सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे। एक में अच्छे से फोकस कर दिया तो लैंग्वेज को स्विच करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। फंडामेंटल है उसे अच्छे से क्लियर करें और फंडामेंटल के नोट्स यार एटलीस्ट खुद से ले लें। फंडामेंटल के नोट्स वो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। सेकंड टिप से क्लियर हो गया, आपको फंडामेंटल क्लियर करना है। थर्ड टिप्स क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस मोर एंड मोर करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा और उतना अच्छे से हम लोग यार लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको ऐसा नहीं है कोड भैया ने कोड कर दिया, आपने देख लिया आउटपुट आ गया, बस हो गया मेरा कोड वगैरह यार। आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको आउटपुट आ रहा है नहीं। कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, माइनर चेंजेस, जैसे आप इधर को उधर कर दें थोड़ा बहुत, ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स चेंज करके देख लिए क्या हो रहा है, ऐसे करने से क्या हो रहा है, ये लगाने से क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप खुद से अपने कोड में और देखें आउटपुट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे क्या आपका फंडामेंटल के साथ साथ यार आपने जो सोच रहा है, आपकी थिंकिंग स्किल जो वो भी काफ़ी इंप्रूव होगी। तो आपको अपने खुद से कोड लिख के प्रैक्टिस करना है। थर्ड थिंग सर, आपको हाथ से कोड करना है। हाथ से कोड करना मतलब भैया कीबोर्ड पे हाथ ही से कोड करूँगा ना, नहीं हाथ से कोड मतलब पेन पेपर पे कोड करना है। यार कभी कल क्या होता है हमारे इंटरव्यू में, हमें इंटरव्यूअर होता है हमें कॉपी दे देता है, पेन दे देता है और बोलता है फॉर लूप का बताओ कैसे होता है, इफ इस स्टेटमेंट का कोड लिख के दिखा यार। तो ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, फंडामेंटल अगर क्लियर होंगे तो, और साथ साथ आपको कोड याद भी हो रहा है ताकि आप दूसरे को समझा रहे हो तो यार इजीली आप समझा पाएँ। नेक्स्ट थिंग यार हमें दूसरे को पढ़ाना है, फ्रेंड्स को पढ़ा दिए और पढ़ाने से यार हमारा नॉलेज होता है, उसमें जो कंसेप्ट होते हैं और क्लियर होते जाते हैं, बिल्कुल शार्प होते जाते हैं। अपने फ्रेंड्स को बता दिए, यूट्यूब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक पार्टिकुलर टॉपिक पर सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस के। नेक्स्ट थिंग सर, क्या हमें अपने कोड का बैकअप रखना है। बैकअप रखने से क्या होगा, हमारा जो कोड मैंने फास्ट में जो कोड किया था उसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बैकअप है, आप लोकल बैकअप, लोकल बैकअप में जैसे अपने हार्ड डिस्क में कहीं एक्सेस बना ली वहाँ अपने कोड का बैकअप रख सकता है, या फिर यार उसे हम बैकअप करके गिटहब पे बैकअप कर सकते हैं, कोड आई मीन ड्रॉक्स पर बैकअप कर सकते हैं, गूगल ड्रॉक से बैकअप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बैकअप कर सकते हैं, कहीं भी बैकअप कर सकते हैं कोड पर। बैकअप करने से क्या होगा, आपके एकदम आपके सारे कोर्स जो होंगे वो आपके पास रहेंगे, हमेशा अवेलेबल होंगे, कहीं भी आपका सिस्टम क्रैश भी कर जाएगा फिर आपके पास कोड होगा। यार मेरे साथ क्या होता था, मैं जब कोडिंग स्टार्ट किया था तो मैं लिनक्स पे था, लिनक्स पे कोड करने से क्या होता था कभी कभी सिस्टम मेरा क्रैश कर जाता था स्टार्टिंग में 2019 के बाद, तो सिस्टम क्रैश हो जाने कारण मैं सारा का सारा कोड बिल्कुल जो किया हुआ था सब वैनिश हो जाता था, उतनी डिस्ट्रॉय कुछ नहीं बचता था। तो देन मैं आइडिया लगाया कि मैं कोड का बैकअप रखूँगा डे बाई डे, ऑल्दो मैं डे बाई डे आलसी में इसलिए कर नहीं पाता था, बट दो तीन दिन पहले मैं बैकअप कर लिया सारा कोड का ताकि मुझे प्रॉब्लम होती थी और मैं कोड को कहीं भी एक्सेस कर सकता था एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, तो कोड का बैकअप कर सकते हैं। सो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं कोडिंग स्टार्ट करने से, जो कि देख सकते हैं कोडिंग स्टार्ट करने से पहले। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एज अ बिगिनर एंड मैं वीडियो को क्लियर करने में अच्छा से हेल्प कर रहा हूँ आप लोग का। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल एंड मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी जगह शेयर कर दिया ग्रुप में एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम ऐसे और वीडियो लाने वाले होंगे एंड नेक्स्ट हम लोग सोच रहे हैं कोर्स स्टार्ट करने का एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। थैंक यू।